देखिए, जो सामान्य लोग होते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है कि प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी की इम्पोर्टेंस क्या है, उन्हें यही लगता है कि एक टाइप की ही सोनोग्राफी होती है जो कि आप प्रेगनेंसी में कभी भी करवा सकते हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक स्वस्थ बच्चे को मदर के गर्भ में रहने के लिए कम से कम 9 महीने 7 दिन का टाइम निकालना ही होता है अच्छे से डेवलप होने के लिए। और सोनोग्राफी एक ऐसी जांच है जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं प्रेगनेंसी के अलग अलग समय पर कि बच्चा अच्छे से अंदर डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा, या फिर प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और कुछ विशेष टाइप की जो सोनोग्राफी है वो प्रेगनेंसी के अलग अलग समय पर की जाती है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वो कौन कौन सी सोनोग्राफी है जो कि आपको प्रेगनेंसी के अलग अलग समय पर करवानी चाहिए, मैक्सिमम आपको कितनी सोनोग्राफी रेकमेंडेड होती हैं, मिनिमम आप कितनी करवा सकते हो, और वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट सोनोग्राफी है जो कि आपको हर हालत में करवानी चाहिए ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली डिटेक्ट कर सकें। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहें इस वीडियो के साथ। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, और बिना किसी देरी के आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम कुछ डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो सोनोग्राफी है और जो अल्ट्रासाउंड है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों सेम स्कैन के नाम होते हैं। फिर दूसरा डाउट होता है कि सामान्यतः जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती है उन लोगों को ये लगता है कि सोनोग्राफी अगर हम लोग बारी बारी करवाते हैं या फिर कम दिनों की प्रेगनेंसी में कराते हैं तो इससे बच्चे का विकास रुक जाता है, बच्चे का दिल नहीं बनेगा, दिमाग नहीं बनेगा, या दिमाग में पानी चला जाएगा, या फिर बच्चे की दिल की धड़कन नहीं आएगी, या फिर बच्चे का जो विकास होना है अच्छे से, जो बच्चा डेवलप होना है वो नहीं होगा, कोई ना कोई परेशानी हो जाएगी। लेकिन ये इम्पॉसिबल है। देखिए, जो सोनोग्राफी है वो प्रेगनेंसी में किए जाने वाला सबसे सुरक्षित जांच आप समझ सकते हो। जो पहली सोनोग्राफी है वो 1956 में हुई थी, और 1970 मतलब 1970 के बाद जो सोनोग्राफी है उसका यूज़ प्रेगनेंसी में किया जाने लगा बहुत अधिक मात्रा में। और मोटा मोटा हिसाब किताब आप देख सकते हो कि 52 साल हो चुके हैं और अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये प्रूफ हो सके कि सोनोग्राफी करने के बाद जो मदर के पेट में बच्चा पल रहा है, जो बेबी है, उसमें कोई बर्थ डिफेक्ट आया हो या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई हो। ठीक है, तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। उल्टा जो भी आप जांच कराते हो प्रेगनेंसी में, उन सभी जांचों की तुलना में जो सोनोग्राफी है वो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल और सेफेस्ट स्कैन या टेस्ट आप समझ सकते हो। साथ ही जिन लोगों को ये लगता है कि हम लोग बारी बारी सोनोग्राफी करवा रहे हैं इससे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो गाइस देखिए, जो सोनोग्राफी है उसमें हम लोग साउंड्स वेव का यूज़ करते हैं, मतलब ध्वनि तरंगों का यूज़ करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर साउंड वेव्स बच्चे के लिए हानिकारक होगी तो आपको बच्चे के पास मतलब मदर के पास बोलना भी नहीं चाहिए, कोई आवाज़ भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोलने से, आवाज़ करने से भी आप साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहे हो, बोल रहे हो तो साउंड वेव्स निकल रही हैं ना। तो ये सब एक टाइप का मिथ है जिससे आपको बचना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी सोनोग्राफी आपको कब कब करवानी होती हैं। तो नंबर 1, हम लोग डेटिंग स्कैन या वायबिलिटी स्कैन करवाते हैं जो कि यूजली प्रेगनेंसी के 6 वीक से 9 वीक के बीच में करवाई जाती है। ये जो स्कैन है यूजली आप खाना खाने के बाद करवा सकते हो। लोगों के बीच में एक बात को लेकर ये भी धारणा रहती है कि हमें जो भी सोनोग्राफी है वो खाली पेट करवानी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो स्कैन है आप खाना खाने के बाद करवा सकते हो। अगर आप खाना खा के जाओगे तो आपको वीकनेस, चक्कर, घबराहट महसूस नहीं होगी। हालांकि जब आप स्कैन करवाओगे तो आपका यूरिनरी ब्लैडर फुल होना चाहिए, मतलब आपको यूरिन का फुल प्रेशर होना चाहिए। और इस स्कैन के दौरान क्या किया जाता है, देखिए, इस स्कैन में आपको
सीधा लेटाकर पेट के ऊपर से आपके अंदर देखा जाता है, यूट्रस की वॉल्स को देखा जाता है। सबसे पहले क्या करती हैं, एक जेल लगाया जाता है आपके पेट के ऊपर, और ये जेल यूजली महसूस करने पर ठंडा होता है। और फिर प्रोब की सहायता से आपकी यूट्रस के अंदर, बच्चेदानी के अंदर देखा जाता है। बच्चेदानी में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, नंबर वन तो यही है कि आप क्या वास्तव में प्रेग्नेंट हो। जी हाँ, देखिए जब आप घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो, या तो आप यूरिन से करो या फिर वाया ब्लड करो, तो जिन भी फीमेल्स को इरेगुलर पीरियड साइकिल होता है या फिर हार्मोनल इश्यूज रहता है या फिर पीरियड्स टाइम पर नहीं आते, मतलब कहने का है कि जिनको भी हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है, तो जो आपने घर पर टेस्ट किया, चाहे आप ब्लड टेस्ट करवा के आओ या फिर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो, तो ये दोनों टेस्ट हॉर्मोन्स पर बेस्ड होती हैं। सो अगर आपने किसी टाइप का इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है, मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोई दवाइयाँ ली हैं, या फिर आपको जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर आती हैं, तो हॉर्मोनल इश्यूज के कारण या हॉर्मोन्स की दवाइयाँ लेने के कारण आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो फेक पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इसको यूजली हम लोग केमिकल प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसको कन्फर्म करने के लिए जो सोनोग्राफी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि आप क्या वास्तव में प्रेग्नेंट हैं कि ये आपको केमिकल प्रेगनेंसी है। नंबर टू, आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि जो आपको प्रेगनेंसी है वो इंट्रायूटेराइन है या एप्टोपिक प्रेगनेंसी है। यूजली क्या होता है कि जो बच्चा है वो मदर की बच्चेदानी में इम्प्लांट होता है, जो जेस्टेशनल सैक है, जो बच्चे का घर होता है, वो यूट्रस में जब मिलता है तो उसको इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी बोलती हैं, ठीक है। और बच्चे के घर मतलब कि जेस्टेशनल सैक के अंदर ही बच्चे को डेवलप होना होता है, बड़ा होता है। तो यूजली जो बच्चा है वो बच्चेदानी के अंदर बड़ा होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जो बच्चा है वो बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट नहीं होता, वो बाहर ट्यूब में या फिर अंडेदानी में या पेट की किसी भी भाग में इम्प्लांट हो जाता है और वहाँ पर ये बड़ा होने लगता है, जिसको एप्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो सेकंड थिंग कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी है। नंबर तीन कि आपका जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ है। कभी कभी क्या है कि अगर इम्प्लांटेशन प्रॉपरली नहीं होता तो आपको बीच बीच में हल्की ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है। तो इस बात को क्लियर करने के लिए कि भाई जो इम्प्लांटेशन है वो प्रॉपरली हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी हम लोग अल्ट्रासाउंड से या सोनोग्राफी से डिटेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको ये कन्फर्म हो जाता है कि आपके गर्भ में कितने बच्चे हैं, एक हैं, जुड़वा बच्चे हैं, तिगड़ी बच्चे हैं। इसके बाद आपको सोनोग्राफी की हेल्प से आपकी लास्ट पीरियड डेट का पता लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल्स को या तो अपनी लास्ट पीरियड डेट पता नहीं होती, या फिर आपका अगर प्रीवियस मिसकैरेज हुआ है तो आपको ऑफकोर्स लास्ट पीरियड डेट का पता नहीं होगा, या फिर कई बारी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जब आप लेते हो तो एलएमपी डेट का पता नहीं होता। तो अल्ट्रासाउंड से आपको एक तो डबल श्योर हो जाता है कि आपकी लास्ट पीरियड डेट क्या थी, और अगर आपको नहीं पता तो आपको कन्फर्म हो जाता है। साथ ही अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने से आपको एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी मतलब ईडीडी मिल जाती है। ये वो तारीख होती है जिस डेट के अराउंड आपको डिलीवरी होनी है, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि जो आप बाद में अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराओगे उसके कंपैरिजन में जो शुरुआती अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है उसमें जो आपको ईडीडी मिलती है वो मोस्ट रिलायबल ईडीडी होती है, ठीक है। अब बात करें गाइस मेरी एडवाइस की, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि जैसे ही आपको आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो, चाहे आप ब्लड टेस्ट से करो या फिर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से करो, तो आपको उसके नेक्स्ट डे ही अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए, मतलब सोनोग्राफी करानी चाहिए। क्यों करानी चाहिए? क्योंकि फर्स्ट आपको ये क्लियर हो जाता है कि आपको इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है कि एप्टोपिक प्रेगनेंसी है। देखिए जो एप्टोपिक प्रेगनेंसी है, कई लोग अल्ट्रासाउंड को 2 महीने 3 महीने पर कराते हैं, और ऐसी कंडीशन में अगर आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी का पता लगता है तो एप्टोपिक प्रेगनेंसी का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, वो है ऑपरेशन सर्जिकल मेथड। और उसमें क्या है, जिस भी साइड में एप्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड में, उस साइड की फेलोपियन ट्यूब और ओवरी अंडेदानी को निकालना पड़ता है।
तो अगर आपको एप्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत जल्दी पता लग जाती है अल्ट्रासाउंड से, तो आप मेडिसिन के थ्रू अपनी एप्टोपिक प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। नंबर टू, आपको इम्प्लांटेशन प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है ये डिटेक्ट हो जाता है। अगर आपको पेरीजेस्टेशनल ब्लीड करके मेंशन होता है या फिर आपको इम्प्लांटेशन रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको हार्मोनल मेडिसिन दी जाती है और ये मेडिसिन आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करती है। नंबर तीन, आपको अर्ली स्टेजेस में ही पता लग जाता है कि आपकी यूट्रस के अंदर, अंडेदानी के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर या बच्चेदानी के मुंह में या पेट के किसी भी रीजन में किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सूजन तो नहीं है, गांठ तो नहीं है या फिर सिस्ट तो नहीं है या ट्यूमर तो नहीं है, उसके रिगार्डिंग हम शुरुआत में ही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जितनी जल्दी आप एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे आपको बहुत बढ़िया रहेगा। फिर जब अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको उसमें देखना है कि आपको प्रेगनेंसी है जो वो इंट्रायूटराइन होनी चाहिए। अगर आप 60 दिन से पहले अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो हो सकता है कि आपको उसमें बच्चे की दिल की धड़कन ना आए, ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूजली जिन फीमेल्स के इरेगुलर पीरियड साइकिल हैं या फिर जो लोग इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको जो बच्चे की दिल की धड़कन है वो नियरली अबाउट 60 डेज कभी कभी डिलेड कंसेप्शन में दिखाई देती है। सो आपको सिर्फ एक बात कंफर्म करनी है कि जो आपकी प्रेगनेंसी है वो इंट्रायूटराइन होनी चाहिए। फिर आपको फोलिक एसिड 5 mg में 3 मंथ के लिए स्टार्ट करना होता है, साथ ही आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन पाउडर स्टार्ट करना होता है। और जो अगला अल्ट्रासाउंड है आपको 60वें दिन करवाना होता है आपकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग। हमेशा याद रखना, जो भी मैं आपको डेट्स बता रहा हूँ वो आपकी लास्ट पीरियड डेट की अकॉर्डिंग होगी। जब मैं यानी कि किसी भी व्यूअर को या पेशेंट को एडवाइस करता हूँ तो वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के थ्रू अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। आपको जो भी मैं एडवाइस दूंगा आगे वो आपकी लास्ट पीरियड डेट के अकॉर्डिंग होगी, ना कि अल्ट्रासाउंड में जो आपको जेस्टेशनल टाइम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको 60वें दिन जो है अल्ट्रासाउंड कराना है। स्टिल अगर आपको बच्चे की दिल की धड़कन नहीं दिखाई देती है तो फिर आपको आगे डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने होते हैं, ये कन्फर्म करने के लिए कि भविष्य में क्या बच्चे की दिल की धड़कन आने के चांस हैं कि नहीं हैं। अगर आप ये डायग्नोज करवा लेते हो कि बच्चे की दिल की धड़कन बाय चांस अगर नहीं आती है, तो आप दवाइयों के माध्यम से 63 दिन के अंदर अंदर अपनी प्रेगनेंसी को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर आपको सर्जिकली अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना होता है। और दूसरी तरफ अगर 60वें दिन आपको बच्चे की दिल की धड़कन दिखाई देती है तो ये एक बहुत ही मतलब आनंदमय समय होता है, जिसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा समय होता है, ख़ास तौर पर मदर के लिए, जिसको अपने बच्चे की दिल की धड़कन अपने अंदर सुनाई देती है अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, ठीक है। एक बार बच्चे की दिल की धड़कन जब आपको पता लग जाती है तो फिर आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको 3 मंथ तक दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो अगला स्कैन है वो हम लोग 3 मंथ पर करवाते हैं। अगर वीक्स वाइज बोलूँ तो आपको जो नेक्स्ट स्कैन है वो 11 से 13 वीक 5 दिन से पहले पहले कराना होता है, और इस स्कैन को बोला जाता है एंटी स्कैन या एंटी एनबी स्कैन या फिर एंटी एनबी डीवीटीआर स्कैन या फिर फर्स्ट एनोमली स्कैन या फिर लेवल 1 स्कैन। और अगर आप इन स्कैन के साथ, ये सारे एक ही स्कैन के नाम बताएं जिनको अलग अलग नाम से जानते हैं, अगर आप इन स्कैन के साथ में एक ब्लड टेस्ट करा लेते हो जिसको बोलते हैं डबल मार्कर ब्लड टेस्ट, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग, ठीक है। अब इस स्कैन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो गाइस देखिए, सबसे पहला तो ये कि इस स्कैन के थ्रू आप बच्चे में किसी भी टाइप की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी को डिटेक्ट कर लेते हो। और जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा कि इसका नाम है एंटी एनबी स्कैन, मतलब नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन या फिर जो है नेजल बोन स्कैन। इसमें क्या होता है कि बच्चे की गर्दन के पीछे की थिकनेस को मेज़र किया जाता है, साथ ही बच्चे की नाक की हड्डी जो है वो दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही,
बच्चे के जो हार्ट के चेंबर हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे, और जो बच्चे के हार्ट के दिल के जो चैम्बर हैं वहाँ पर वाल्व अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बच्चे की रीढ़ की हड्डी अच्छे से डेवलप हुई है कि नहीं हुई है, बाकी के जो ऑर्गन हैं वो अच्छे से डेवलप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग इस स्कैन में देखते हैं। लेकिन जो नकल थिकनेस है वो जो बेबी की टोटल लेंथ होती है जिसको CRL बोलते हैं, ठीक है, अगर उसके कंपैरिजन में जो नकल थिकनेस है वो 2.5 mm से लेके 5 mm के बीच में होती है तो हाई, तो उसको रिस्क कैटेगरी, और अगर 5 mm से ज़्यादा होती है तो उसको हाई रिस्क कैटेगरी में रखा जाता है। अगर ऐसे करके आपकी रिपोर्ट आती है तो फिर आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने होते हैं ताकि ये कंफर्म हो सके कि आपको ट्राइसोमी 13, 18 या 21 जैसी डाउन सिंड्रोम की प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे को। और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है कि आप अपनी प्रेगनेंसी को चाहें तो अबॉर्ट कर सकती हैं, क्योंकि जो इंडियन MTP एक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप 3 मंथ के अंदर अंदर DNC या DNE के द्वारा सर्जिकली अपनी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकती हो। जो एंटी स्कैन है वो यूजली उन लोगों को रेकमेंडेड किया जाता है जिनकी एज 30+ होती है या फिर जिनको कुछ टाइप की मेडिसिन चल रही होती है, जैसे BP, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल की, या कोई स्टेरॉयड थेरेपी चल रही है, या फिर जिनकी हाई रिस्क कैटेगरी की प्रेगनेंसी है, या फिर जिन्होंने इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लिया है, या जिन लोगों को बहुत ही मुश्किल से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, या जो लोग किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेना चाहती हैं वो ये स्कैन करवा सकते हैं। नहीं तो आपको जो अगला स्कैन है जो कि हम लोग 5वें मंथ पर करवाती हैं वो स्कैन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आपको किसी भी हालत में करवाना ही करवाना होता है, ठीक है। इसके साथ ही गाइस 3 मंथ के बाद आप अपने पेट को अगर ध्यान से मॉनिटर करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो पेट है उसका साइज इंक्रीज होने लग जाता है, मतलब कि जो बेबी बम्प है वो निकलने लग जाता है, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्कैन है वो हम लोग 5वें मंथ पर करवाते हैं, और वीक्स वाइज बोलें तो 18 से 20 वीक के बीच में आपको ये स्कैन करवा लेना चाहिए। इस स्कैन को भी अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे टीफा स्कैन, टारगेट स्कैन, लेवल 2 स्कैन, एनोमली स्कैन या डिटेल्ड एनोमली स्कैन, और इस स्कैन के साथ भी ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं, जैसे ट्रिपल मार्कर ब्लड टेस्ट या फिर क्वाड मार्कर ब्लड टेस्ट। इस स्कैन में क्या होता है, देखिए जो 5 महीने होते हैं इसमें जो बच्चा है, जो बेबी है, वो अच्छे से डेवलप हो जाता है, जितने भी अंग बनने होते हैं सारे के सारे बन जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इस स्कैन को टारगेट स्कैन भी बोलते हैं, तो जो भी आपके सोनोलॉजिस्ट होंगे उनके पास पूरी लिस्ट होती है इस स्कैन को करने के लिए, और उस लिस्ट में बेबी के जितने भी इम्पोर्टेंस ऑर्गन होते हैं, जो भी विभिन्न अंग होते हैं, उनकी पूरी लिस्ट उनके पास होगी और वो फिर एक एक अंग को देखते हैं सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस कि ये जो सोनोग्राफी है ये क्यों करवाई जाती है। देखिए इस सोनोग्राफी को इस समय करवाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि हम लोग ये पता लगा लें कि बच्चे में कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नज़र आती है या बच्चे में कोई शारीरिक विकार या मानसिक विकार हमें आफ्टर डिलीवरी पता लगता है, तो उस समय जो माता पिता होते हैं उन्हें एक मानसिक सदमा तो लगता ही है, और ये जो बच्चा है ये सारी जिंदगी भर के लिए जो माता पिता हैं उनको उसको मतलब उसकी केयर करना, उसको पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन ना हो उससे पहले ही हम ये सब पता लगाने का ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें डिटेक्ट हो जाती है तो पेरेंट्स के पास 5 महीने के पहले पहले ये ऑप्शन रहता है कि वो दो डॉक्टर के कंसेंट से अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। फिर जो ये पहले 20 वीक हैं इसमें हम लोगों ने देखा कि बच्चा कैसे डेवलप हो रहा है, और जो अगले 20 वीक आएंगे इसमें जो सोनोग्राफी होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि बच्चा कैसे ग्रो हो रहा है, और जो डिलीवरी होगी क्या उस डिलीवरी के स्ट्रेस को बच्चा झेल पाएगा,
या मदर झेल पाएगी कि नहीं। तो जो नेक्स्ट हम लोग सोनोग्राफी करते हैं वो 24 वीक पर करते हैं, जिसमें बच्चे के दिल का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये उन्हीं लोगों को रेकमेंडेड किया जाता है जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं वो होता है ग्रोथ स्कैन, ठीक है, जो यूजली 28 से 32 वीक के बीच में कराया जाता है। इसमें बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, बच्चे का वज़न कैसा है, बच्चे की प्रेजेंटेशन कैसी है, मतलब बच्चा आड़ा है, तिरछा है, कैसा है, ये पता लगाया जाता है। बच्चे की दिल की धड़कन कैसी है, बच्चे के चारों तरफ का जो पानी है, लीकर है, वो कैसा है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई। ये सभी बातें हम लोग जो है ग्रोथ स्कैन में डिटेक्ट करते हैं। एक ज़रूरी बात, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो आप 28 से 32 वीक के बीच में 4D या 5D अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। 4D या 5D अल्ट्रासाउंड कराने में आपको बेबी की लाइव वीडियो दिख जाती है, फ़ोटोज़ दिख जाती है। आजकल लोग अपने बच्चे को डिलीवरी से पहले उसकी फ़ोटो को पूरी ज़िंदगी के लिए स्टोर करके रखते हैं, और ये जो अनुभव होता है अपने बच्चे को डिलीवरी से पहले देखना, उसकी लाइव वीडियो को देखना, बहुत ही मतलब आनंदमय होता है। उस मोमेंट को आप पूरी ज़िंदगी के लिए नहीं भूल सकते। 28 से 32 वीक के आसपास अगर आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो बच्चे की ब्रिज प्रेजेंटेशन आ सकती है, मतलब बच्चा जो है वो उल्टा आ सकता है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 8 महीने तक बच्चा पेट में घूमता रहता है और 8 महीने के बाद फिर बच्चा फिक्स हो जाता है पेल्विक बोन में जाके, और फिर जो है बच्चा नहीं घूम सकता, ठीक है। तो ग्रोथ स्कैन कराने के बाद हमें जो नेक्स्ट जो सोनोग्राफी है वो 8 से 8.5 मंथ पर करानी होती हैं। इससे ये कंफर्म हो जाता है हमें कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजीरियन होगा, और इसके साथ ही हमें बच्चे का वज़न पता लग जाता है। यूजली इस समय पर बच्चे का जो वज़न है वो 2 किलो से 3 किलो के बीच में होना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन है वो सिफेलिक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। बच्चे के चारों तरफ का हमें लीकर पता लग जाता है कैसा है, और बच्चेदानी का जो मुंह है, जो सर्विक्स है, जो ओस होती है, वो ओपन हुई है कि नहीं हुई है, और जो कॉर्ड है, जो प्लेसेंटा है, वो बच्चे की गर्दन के चारों तरफ है या नहीं है, ये भी हमें कंफर्म हो जाता है। और इस स्कैन से हमें कंफर्म हो जाता है कि आगे हमें क्या करना है। बच्चे की जो है डिलीवरी वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीजीरियन होगा, और उसके रिगार्डिंग हम आगे का नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको नॉन स्ट्रेस टेस्ट भी डॉक्टर एडवाइस कर सकते हैं। और गाइज, मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपके डॉक्टर आपको पर मंथ सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए एडवाइस कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको आपके डॉक्टर की एडवाइस को बायकॉट नहीं करना है, ये गलत बात है। आपको अपने डॉक्टर की बात पर बिलीव करना है, उनकी बात को फॉलो कीजिए। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।